मुझे तो एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ने इन 3 सालों में इतना अच्छा परफॉर्म किया है। मेरे जैसा एक आम बंदा, ठीक है, वो तो सिर्फ ये देखते हैं ना, यार ये चीज़ लेने गया हूँ, ये महंगी है या सस्ती है, ठीक है। क्योंकि आप हकीकत को नहीं देख रहे हैं। अगर आप देखें कि पैंडेमिक आया, इन लोगों ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। बिलावल साहब, मुझे आप ये बताएं कि अभी मरियम साहिबा का नया बयान सामने आया है। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं मरियम के साथ अभी थोड़ा एंग्री हूँ, मगर वो मुझे आइसक्रीम खिलाएगी तो मैं एग्री हो जाऊंगा। कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होने, पिछली जो हुकूमत थी, ठीक है, चलो लगाती थी तो फिर खाती थी, ठीक है, यानी थोड़ा सा खाती थी थोड़ा लगाती थी, ठीक है। ये लोग ना खा रहे हैं ना लगा रहे हैं, तो ये कब लगाना है ना? मुझे तो समझ नहीं आती कि आप लोगों को तरक्की क्यों नहीं नजर आती। अस्सलाम वालेकुम, MYK न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम उल्टा सीधा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा गयास, और मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ शहजाद, उनके साथ प्रोफेसर क्यू और बिलावल की डमी भी यहां पर मौजूद है। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है महंगाई, और काशिफ साहब से हम जानेंगे कि महंगाई जो है वो क्यों बढ़ रही है और आवाम पर इसके क्या असरात मरतब हो रहे हैं। अच्छा काशिफ साहब, 3 साल गुजर गए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जब इक्तदार में आई थी तो आवाम को ये लारा लगाया गया था कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा और अगले ही दिन में बेहतर हो जाएगा। पहले 90 दिन का टारगेट, फिर टारगेट बढ़ता गया। क्या आपको लगता है कि आने वाले 2 साल में गवर्नमेंट अपनी वर्थ जो है, जो वो गंवा चुकी हुई है, उसको दोबारा स्टेबल करके अपना वोट बना सकेगी? देखिए, मुझे तो एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ने इन 3 सालों में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हुकूमत जो है इस चीज़ को आवाम तक पहुंचा नहीं सकी। जब इस हुकूमत ने टेक ओवर किया था पाकिस्तान, उस वक्त दिवालिया हो रहा था। पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के रिज़र्व हैं वो $8 बिलियन रह चुके थे। जो करंट अकाउंट का डेफिशिएट था वो भी $20 मिलियन के करीब था। इन हालात में PTI की गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। उन्होंने पहले कोशिश की कि हमसाए ममालिक से मदद लेकर पाकिस्तान की जो पेमेंट्स जो करनी थी उन पेमेंट्स को किया जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, $29 बिलियन के जो उन्होंने फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर भेजी, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। लेकिन हालात इतने ख़राब थे कि गवर्नमेंट को IMF के पास भी जाना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने IMF के पास भी गई, IMF की शराइत को भी माना, और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया और पाकिस्तान को वापस तरक्की की तरफ ले गया। लेकिन फिर 2020 में मतलब पूरी मुकम्मल पिक्चर कोविड के बाद चेंज हो गई। सेकेंड चैलेंज गवर्नमेंट के पास कोविड का आ गया। कोविड के हालात में भी गवर्नमेंट ने मतलब बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप कोविड का भी डाटा निकालें, कोविड को भी मैनेज किया, कोविड के दौरान गुर्बत को भी मैनेज किया, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ी, पाकिस्तान ने इंडस्ट्री में तरक्की की, एग्रीकल्चर में तरक्की की, फॉरेन रेमिटेंसेस के जो हैं ज़खायर वो बढ़े, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मतलब इतनी आई, तो पाकिस्तान तो मतलब एक अच्छी तरक्की कर रहा है। इस वक्त आप स्टेट बैंक के रिज़र्व भी देख लें, $27 बिलियन हमारे पास रिज़र्व जो हैं वो मौजूद हैं। तो पाकिस्तान इज़ डूइंग वेरी वेल एक्चुअली। अच्छा, ये जो आप चाह रही है, जो चीज़ें बता रहे हैं, ये इतनी मुश्किल है, आम बंदे को नहीं पता लगती। मेरे जैसा एक आम बंदा, ठीक है, वो तो सिर्फ ये देखते हैं ना, यार ये चीज़ लेने गया हूँ, ये महंगी है या सस्ती है, ठीक है। जब महंगाई कम होगी तभी आवाम खुश होगी और बंदा खुश होगा, ठीक है, बाकी जो मर्ज़ी होता रहे, मगर मेन चीज़ तो यही है ना कि महंगाई कम करना, मगर महंगाई कम नहीं हो रही, वो आगे बढ़ती जा रही, हमेशा महंगाई बढ़ती है। इन्होंने तो परसेंटेज को ज़्यादा बढ़ा दी, तकरीबन 100% से ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। तो ये कम होने का कुछ चांस है या फिर हम बस ऐसे कि मुल्क तरक्की करेगा बेशक बंदा मर जाए? देखें, पूरी दुनिया में 31% जो फूड की जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस बढ़ी हैं, जबकि पाकिस्तान में आप बताएं कितनी बढ़ी होंगी। फिर वही तो दुनिया को क्यों देख, हमने अपनी जेब चेक करने की कि यार मेरी जेब में ये खरीदने को नहीं है, एक महीने पाकिस्तान बाद में, पाकिस्तान में 8.5% महंगाई बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड वाइड 32%। और आम, चले मैं आपको एक आम सी एक मिसाल बताता हूँ। दरख्त जो है ना वो 2 किस्म के होते हैं, एक होता है बेलदार दरख्त
और एक जो मतलब नॉर्मल दरख्त होता है। जो बेलदार दरख्त है वो बड़ी तेज़ी से फैलता है, महीने में फैल जाता है और महीने में ख़त्म हो जाता है। जो नॉर्मल दरख्त है उसको बड़ा होने में साल लगते हैं और बड़ा होने के बाद वो सालों साल रहता है, सदियों तक भी रहता है। वो जितना ज़मीन के अंदर होता है उतना ही ज़मीन के बाहर भी होता है। वो अपनी खुराक ज़मीन से नमकियात हासिल करता है, वो लोगों को साया भी देता है, फल भी देता है, और मतलब दरख्त जो है वो मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे लोगों को सालों साल सैकड़ों साल तक देता रहता है। तो अब पाकिस्तान इसी तरह दरख्त की तरह ही जो होती है ना, कौमों की जो तरक्की होती है वो भी दरख्त की तरह ही है। आप जो तरक्की चाह रहे हैं ना बैल की तरह महीने में ऐसे करके निकले और फिर पाँव में गिर जाए, पिछली हुकूमतों में यही होता रहा है। अच्छा, कोई कुछ ऐसे भी दरख्त होते हैं उन्हें 200 साल लगते हैं, 200 साल लगते हैं बड़े होने में, ठीक है, तो हम 200 साल कैसे वेट कर सकें? नहीं, 200 साल तो नहीं लगते। नहीं, होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो हमने यानी 30-40 साल तो लगते ही हैं। हम देखिए, अभी मैंने आपसे कुछ डाटा शेयर किया है, ये जितना मैंने आपसे डाटा शेयर किया ये 2.5-3 साल का डाटा है, 200 साल का डाटा मैंने आपसे शेयर नहीं किया। तो हमें नए पाकिस्तान और तब्दीली के लिए कितने और साल वेट करना पड़ेगा? 15 साल 20 साल, कितने साल? ये इंशाल्लाह आपको इसी 5 सालों में ही आपको बड़ा फर्क नजर आ जाएगा। 5 साल और आगे नहीं, सिर्फ 2 रह गए साल। अरे मेरी मेरी बात सुन लो, तुम ठीक कहते हो मिस्टर क्यू, ये सब इमरान खान के साथ मिले हुए हैं, वो हैंडसम है इसलिए, और वो अच्छी तकरीरें करता है, मेरे पास पर्ची होती है इसलिए ये मुझे वोट नहीं देते, मुझे पीएम नहीं बनाते हैं, मैं भी हैंडसम हूँ, अल्लाह जाने लोगों को की है। तो बिलावल साहब, मुझे आप ये बताएं कि अभी मरियम साहिबा का नया बयान सामने आया है जिसमें वो कहती हैं कि खान साहब जो हुकूमत चला रहे हैं ना, सब जादू पे चला रहे हैं, तो क्या आप लोग भी जादू पे चलाते रहे हैं? अरे गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं मरियम के साथ अभी थोड़ा एंग्री हूँ, मगर वो मुझे आइसक्रीम खिलाएगी तो मैं एग्री हो जाऊंगा। इतनी हंसी खुशी क्यों हो रही है? अरे उन्होंने बात की है जादू की, तो हमारे पास भी जादू था, भुट्टो का। जी है भुट्टो। अच्छा मुझे बताएं, शहबाज गिल साहब ने पिछले दिनों बयान दिया था कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जिस तरह ना एक गाड़ी जो होती है, ठीक है, जब रेस ज़्यादा खींचती है, ठीक है, तो फिर पेट्रोल ज़्यादा लगता है। तो ये बात ठीक है कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि हुकूमत बहुत तेज़ चल रही है, मुल्क बहुत आगे स्पीडो स्पीड जा रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा। देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होती है ना उसको टाइम लगता है आने में ना, तो एक हद तक उनकी बात ठीक भी है, लेकिन जो उन्होंने मिसाल दी है मैं उससे एग्री नहीं करता। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि जब कोई मुल्क तरक्की करता है तो उस मुल्क में महंगाई भी होती है तरक्की के साथ। अब दुनिया का कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क उठा लें, अमेरिका उठा लें, यूरोप उठा लें, वहाँ महंगाई है, लोगों की मतलब चीज़ें बहुत महंगी हैं और लोगों की जो कहते हैं वो आमदनी जो है वो ज़्यादा है। अब जब तरक्की के साथ महंगाई होगी, महंगाई नहीं कम होगी, आपको पर इनकम कैपिटल लोगों की जो बाइंग पावर है ना वो बढ़ानी पड़ेगी। Exactly. तो उसके ऊपर काम हो रहा है। वही ना, तो उसके ऊपर काम कब होगा? वो जो 1 करोड़ नौकरियां मिलनी थी तो वो 1 करोड़ में से कोई एक नौकरी भी नहीं किसी को मिली। देखें, उस सबके ऊपर काम हो रहा है और नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। अभी कामयाब पाकिस्तान का प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके अंदर 275,000 लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिए, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, उसके 5 एजेंडे हैं। इस तरह के बड़े प्रोग्राम आ रहे हैं और 1 करोड़ नौकरियाँ भी इंशाल्लाह जो है, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं, 1 करोड़ क्या उससे ज़्यादा नौकरियाँ जो हैं वो इंशाल्लाह पैदा होंगी। तो आपकी बातों में मुझे यूथिया यूथिया फीलिंग क्यों आ रही है? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? देखें, क्योंकि आप क्यों हैं, आपको हर चीज़ उल्टी नज़र आती है। तो नहीं, मैं यूथिया नहीं हूँ ना, मैं गवर्नमेंट का स्पोक पर्सन भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ पाकिस्तानी हु लव पाकिस्तान, और क्योंकि मैं थोड़ा इकॉनमी को समझता हूँ और मेरे सामने मतलब फिगर्स भी हैं जिस तरह पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो मैं उस लिहाज से मतलब बात कर रहा हूँ। तो वो फिगर सिर्फ आपके पास क्यों है? वो जो हुकूमती स्पोक्स पर्सन होते हैं वो तो हमेशा ना झुकते लगा रहे होते, कभी इसको कभी उसको, वो क्यों नहीं फिगर्स बता रहे होते? ये अलमिया है इस गवर्नमेंट का कि वो जितना अच्छा काम कर रही है आवाम तक डिलीवर नहीं कर पा रही, कि अपना अच्छा काम जो है ना वो आवाम तक डिलीवर नहीं कर पा रही।
इसमें थोड़ा सा आवाम का भी कसूर है। ये जो मतलब कह लें आप PMLN या मतलब ये जो बिलावल साहब की जो जमात है, इन लोगों ने बच्चों के घरौंदे बनाकर ना लोगों को बड़ा खुश किया। बच्चों के घरौंदे फौरन तैयार हो जाते हैं तो लोग क्विक मांगते हैं, लेकिन जितनी जल्दी घरौंदा बनता है उतनी जल्दी गिर भी जाता है। ये जो आप कसूर की बात करें, मैंने वही नोट किया, ठीक है। कुमती किसी बंदे से पूछो ना यार ये क्यों हो रहा है, महंगा क्यों हो रहा है, तो वो कहते हैं यार ये कसूर, कभी वो पेंडेमिक का कसूर कह देते हैं, कभी पिछली हुकूमत का कसूर कह देते हैं, कभी किसी चीज़ का उन्होंने कसूर कहना ही है, अपनी गलती नहीं माननी कि उनसे काम नहीं हो रहा। देखें क्यू साहब, अगर आपने 38 ईयर्स PMLN ने हुकूमत की है और माशाल्लाह इन लोगों ने भी बड़ी हुकूमत की है, अगर इस तरह के सवालात आप इन लोगों से करते तो शायद हालात तब्दील होते। आपने तो 2-3 सालों में इस हुकूमत को मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना शुरू कर दी है। नहीं, एक इनसे हाँ। भी किया था मगर इनसे जवाब नहीं ना आया हाँ। तो इस हुकूमत से तो सवाल करना बनता है ना, इसलिए कि हाँ। हमने वोट दिया था, ठीक है, चलो गलती हो गई। अरे हाँ। मेरी बात सुनो, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। आप एक बार फिर ट्राई करके देखो, मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मुझे वोट क्यों नहीं देते? वोट दूं ना दूं, आपको बिल्कुल भी नहीं देना। अरे क्यों नहीं दोगे, मैं आपको चड्डी बनियान देगा। अच्छा, पहले घर बंगला दे रहे थे, ठीक है, अब चिट्ठी बनियान पे। अरे थोड़े से गरीब हो गए है ना, थोड़े से बहुत ज्यादा थोड़े से गरीब हुए, कार तो भी मेरे पास है ना। तो ये मुझे बताएं, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होने पिछली जो हुकूमत थी, ठीक है, चलो लगाती थी तो फिर खाती थी, ठीक है, यानी थोड़ा सा खाती थी थोड़ा लगाती थी, ठीक है, ये लोग ना खा रहे हैं ना लगा रहे हैं, तो ये कब लगाने हैं ना? मुझे तो समझ नहीं आती कि आप लोगों को तरक्की क्यों नहीं नजर आती। वो रोड जो है, ठीक है, जिस रोड से आते हो अभी भी 4 खड्डे हैं, खड्डे बढ़ते जा रहे हैं, वो रोड का बने। लेकिन सती सोच से बाहर निकले आप, मतलब जिस रोड से इधर आते हैं वो रोड सारा पाकिस्तान नहीं है। अच्छा। मतलब आप इज्तमाई लेवल के ऊपर मैं जहाँ से आता हूँ मेरे लिए तो वही रूट है ना, ठीक है, मुझे अगर को 20 खड्डे मिलते हैं तो मैं तो चाहूंगा ना वो रोड के खड्डे पूरे हो जाएं। अरे मैं आपको फ्लाई ओवर बना के दूंगा। अच्छा, मैं फ्लाई ओवर यानी घर से स्टूडियो तक फ्लाई ओवर बनाएगा आपको, मैं फ्लाई ओवर बना के दूंगा हर जगह, आपको खड्डों पे नहीं जाना पड़ेगा। अरे अच्छा, ये जो फ्लाई ओवर है ये सारे शहबाज शरीफ का काम, तो उन्होंने बनाया, आपने अपने सिंध में कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया। अरे आपको कुछ नजर नहीं आता है, आपको भुट्टो नजर आता है, देखो नाना वो बेटे हैं, नाना जी अस्सलाम वालेकुम, और आपको फ्लाईओवर नजर नहीं आते, मगर वो है, प्रेजेंट है, और मैं आपको 1 करोड़ नौकरियां छीन नहीं गलत हो गया मतलब मैं आपको लेकर दिखाऊंगा, आपको दूंगा नौकरियां। तो पहले आप खुद तो अपने आपको नौकरी दे दें। अरे मैं नौकर आपका हूँ तो मेरी ये नौकरी है आपके लिए काम करना, आपके लिए सड़क बनवाना। तो ये PDM क्यों छोड़ी है, वजह क्या, वजह क्या? अरे मैंने आपको पहले बताया है, वो मरियम से मेरा झगड़ा थोड़ा सा हो गया था। ये मरियम की बात है, स्माइल क्यों आ जाती है? अरे वो क्यूट है ना, चक्कर है कोई इसका? लेकिन बिलावल साहब, PDM मरियम ने थोड़ी ना बनाई थी, ये तो मुश्तरका जमातों का निचोड़ है जो कि आप अभी तक चला पा नहीं रहे हैं। अरे मेरा किसी और के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं मरियम को देख के जिंदा हूँ। अच्छा, ये अच्छी भली PDM शुरू हुई थी, ठीक है, जो कि लग रहा था कि यार ये धरना देकर और मार्च करके ना हुकूमत को ख़त्म कर देंगे, मगर ये भी फुस हो गए, क्या वजह रही? क्योंकि मुल्क तरक्की कर रहा है, इन लोगों का सिंगल एजेंडा था कि हुकूमत का खात्मा। अरे मुझे बताया, कोई ऐनक आपने कोई स्पेशल कोई ऐप पहनी हुई है, लेंस पहने हुए, आपको सिर्फ तरक्की दिखाई दे रही है और किसी को तरक्की नहीं दिखाई दे रही। आपको तरक्की नज़र नहीं आ रही? नहीं आ रही ना, मैं बड़े मैंने ऐनक उतार के भी देखे, ऐनक पहन के देखे, मुझे कहीं तरक्की नहीं आ रही। मैं अभी भी मार्केट जाता हूँ, महंगी से महंगी है चीज़ें। क्योंकि आप हकीकत को नहीं देख रहे। अगर आप देखें कि पैंडमिक आया, इन लोगों ने मुल्क को दिवालिया कर दिया, ठीक है, स्टेट बैंक के क्या रिज़र्व थे उस टाइम, आज क्या रिज़र्व हैं, स्टेट बैंक के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एतमाद की क्या मतलब एक फ़िज़ा है, क्योंकि उनके पास रिज़र्व मौजूद हैं, आपकी मतलब फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपकी इंडस्ट्री ने ऐलान किया कि इस वक्त 1.6 बिलियन मतलब जो है ना आपकी मतलब इंडस्ट्री जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 2 बिलियन तक पहुंच जाएगा।
तो मतलब इतनी तरक्की मुझे नहीं समझ आ रही आपको क्यों नहीं नजर आ रही। इतने बिलियन चिलियन चिलियन मुझे भी कोई 1 लाख दे दें कोई हर्ज नहीं। कोमी कोमी लेवल पे सोचो, डॉलर 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 कोमी लेवल के ऊपर। अरे मैं आपको डॉलर्स दूंगा, आप एक बार ट्राई करके तो देखे। मैं आपको डॉलर्स भी दूंगा, आप मिलियंस की बात कर रहे हैं, मैं आपको मिलियन टिकटॉक पर फॉलोअर्स दूंगा। डॉलर से याद आया, ये डॉलर की प्राइस को क्या मसला है, ठीक है अच्छा वाला ठीक है। कहते हैं कि यार डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है तो इससे हमारा क्या लिंक है, रुपया तो ठीक है ना। देखें 2019 में जून में डॉलर की क्या कीमत थी आपको पता? 100 के करीब, 165। अच्छा, कोविड आया ठीक है, और कोविड से मतलब अप्रैल में ये 153 हो गई। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, जब ये हुकूमत इन्हें मिली थी ठीक है, डॉलर की प्राइस 100 रुपया थी ठीक है, और अब बढ़ के 170 पहुंच गई है। उसकी वजह ये थी ना कि आपको आपको IMF के पास जाना पड़ा ठीक है। पहले इमरान खान साहब ने ट्राई की कि जो मतलब पाकिस्तान के जो फ्रेंड्स हैं उनसे इमदाद लेके, जो इन लोगों ने पेमेंट ऑफ बैलेंसेस का इतना बड़ा वो पहाड़ इकट्ठा किया था उसको मतलब उतारा जाए, लेकिन उससे काम नहीं बना। फिर हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ा। IMF की शर्त थी कि आप करेंसी को डीवैल्यू करें, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाएं। वो इंटरेस्ट रेट 13.5 तक भी गया और पाकिस्तान को अपनी करेंसी भी डीवैल्यू करनी पड़ी। तो ये पार्ट ऑफ वो प्रोग्राम था, और कोविड से पहले प्रोग्राम के जो मतलब मकासद थे, टारगेट थे, वो हुकूमत ने अचीव किए थे। फिर अनफॉर्चुनेटली सेकंड चैलेंज आ गया हुकूमत के सामने कोविड का, और कोविड के चैलेंज को भी हुकूमत ने मतलब बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया कि आज आपके मतलब जितने इकॉनमी के इंडिकेटर हैं मतलब वो सब जो हैं वो मतलब इस वक्त कंट्रोल में, आपकी करेंसी भी कंट्रोल में है। अरे आप हमारे पीछे क्यों लगे हुए हैं? मेरे बाबा ने आपको गिफ्ट्स नहीं दिए हैं क्या? आपको नहीं मिले थे क्या? देखिए हमें तो एक ही गिफ्ट चाहिए, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। अरे हम आपको तरक्की करके दिखाएंगे। मुझे सिर्फ गिफ्ट वो चाहिए। हमें आपकी तरक्की नहीं चाहिए, मुल्क की तरक्की चाहिए। आप तो तरक्की कर ही नहीं। अरे पहले मैं तरक्की करूंगा तो मुल्क तरक्की करेगा ना अंकल। अच्छा ये ना इनका वो मसला है कि अगर पानी आता है तो फिर बारिश आता है, अगर बारिश आता है तो फिर पानी आता है ना। अरे मेरा फेमस डायलॉग याद दिला दिया, जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। टेक्निकल बनो। तो फिर अगर उससे ज्यादा बारिश आ गया तो फिर तो सैलाब आ जाएगा ना। तो फिर उससे भी ज्यादा पानी आ जाएगा। तो फिर पानी आकर आप क्या करते हैं, कोई हाल क्यों नहीं करते? पापा सिंध में पानी का जितना मसला है वो हल नहीं हो सकता? अरे फिर हम डैम बना देंगे जब ज्यादा पानी आ जाएगा। वो डैम के पैसे मैंने दिए थे पूरे 10 रुपए। वो डैम किधर तक पहुंचा है? 10,000 देने थे ना आपने। मैं इतनी दे सकता था, चले इतने दिए, मगर मेरा हिसाब तो होना चाहिए ना कि वो डैम का बनेगा। देखें जी डैम जो है, डैम के लिए आपको 4.5 खरब रुपया चाहिए, और आपने जो जिसमें 10 रुपये डाले हैं उससे 13 अरब अभी इकट्ठा हुआ है, तो वो 10 रुपये तो आपको वापस नहीं मिल सकते। तो आप कोशिश करें और पैसे उसमें डालें, लोगों को भी क्या कहते हैं मोटिवेट करें। अच्छा, कि वो अगर पैसे डालें और इतने पैसे इकट्ठे हो, अगर डैम बनने का प्लान कैंसिल हो गया तो 13 अरब मिल सकते हैं? नहीं, कैंसिल नहीं हुआ। नहीं, इंशाल्लाह बनाएंगे डैम। कभी अगर कैंसिल हो गया तो फिर वापस मिल जाएंगे पैसे? अरे मिस्टर क्यू, आप मेरे पापा को पैसे दे दें, वही 10 रुपए, वो आपको 2-3 मंथ में बना देंगे, और उनके पास जितने भी 550 रुपए है वो भी लगा देंगे। वो जो आपके पापा है ना, वो 10 रुपए में मानते नहीं है। अरे उन्हें 10% देना पड़ता है फिर मानेंगे वो। मेरा बाजू क्यों पकड़ते हो? मैं नाजुक हूँ बहुत। तो मुझे बताओ, वो अभी भी 10% लेते हैं या ज्यादा लेते हैं? अरे अंदर की बातें मत करो मेरे से। अच्छा काशिफ साहब, IMF से जो हमने कर्जे लिए हुए हैं, तो क्या ये IMF का ठीक है प्रेशर कि हमारे कर्जे, वो जब हम उन्हें कर्जा उनका वापस करेंगे तो महंगाई का रेशियो जो है वो भी बढ़ जाएगा, गरीब आवाम पिसेगी, तो ये IMF के कर्जे इतनी शराइत पर हैं तो गरीब आवाम कैसे स्टेबल हो सकेगी? देखें पहले तो IMF का माजी का जो डेब्ट का लोड है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है,
जब भी किसी बैंक से या IMF से जब कोई कर्ज़ा लिया जाता है तो उसके लिए ना उसके वापस करने का भी कोई प्लान होना चाहिए। पिछली हुकूमतों ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है उसने इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम किया है। IMF के पास जब हम गए, IMF ने मतलब कंडीशंस लगाई थी। कंडीशन में ये था कि हम जो बिजली का जो टैरिफ है वो बढ़ाएं, उन्होंने कहा था इनकम टैक्स जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए, सेल्स टैक्स की जो अजम्पशन है उसको ख़त्म किया जाए। तो मार्च में हुकूमत ने IMF से कहा कि जून में हम मतलब ना टैरिफ भी बढ़ा देंगे और सेल टैक्स जो है वो भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन जून में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने देखा और उनका स्टांस था कि कोविड की वजह से मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं कि ये जो है अवाम को तरफ ये प्रेशर शिफ्ट ना किया जाए। हुकूमत ने दोबारा IMF से मुज़ाकरात किए और IMF से कहा कि आपकी जो टारगेट है आप हमें वो बताएं, हमें रास्ता मत बताएं कि हमने ये कैसे ठीक करना है, हम आपके टारगेट अचीव करके दिखाएंगे। और सितंबर में हुकूमत ने IMF के तमाम टारगेट अचीव करके IMF को दिखाए। IMF ने जो टैक्स की कलेक्शन थी 5800 बिलियन का जो था टैक्स की कलेक्शन थी, हुकूमत ने 180 अरब जो है वो एक्स्ट्रा इकट्ठे किए। हुकूमत ने सेल टैक्स जो है उसको भी ख़त्म नहीं किया, बल्कि टैक्स में डिडक्शन करके जो टैक्स की कलेक्शन थी वो इकट्ठी की। बिजली को महंगा नहीं किया, बिजली जो है वो फरवरी में महंगी की गई थी, फरवरी के बाद बिजली की टैरिफ में इजाफ़ा नहीं किया गया, क्योंकि बिजली बढ़ेगी तो फिर आवाम के ऊपर बोझ जाएगा, आवाम की जो कह लें इनकम है, बाइंग पावर है वो कम होगी। उस तरफ भी मतलब IMF की जितनी शरायत थी हुकूमत ने उसको नहीं फॉलो किया, आवाम की तरफ उस दबाव को शिफ्ट नहीं किया और IMF के टारगेट जो है वो भी अचीव किए। अच्छा मुझे बताएं ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जिस तरह मैं करता हूँ ठीक है, किसी से उधार लेकर ठीक है, उसके बाद उसकी कॉल आती है या मैं कॉल ही नहीं पिक करता, मैं तो इनकार ही कर देता हूँ मैं आपको नहीं जाता, तो हम लोग IMF के साथ ऐसे नहीं कर सकते कि यार उनको कहें कि यार भाई आप कौन, ठीक है, क्योंकि उधार तो ले लिया, पैसे वापस ना करें। अगर देखिए आप जिससे उधार लेते हैं हो सकता है उसकी रसाई आप तक मुमकिन ना हो, लेकिन जब मुल्क किसी IMF से या मतलब किसी भी इदारे से कर्ज़ लेता है तो वो फिर कर्ज़ तो वापस देना पड़ता है ना, नहीं तो मुल्क दिवालिया हो जाता है। ये मुल्क है, आपका घर नहीं है। अच्छा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये देख के ना हम वो लोग नहीं आ सकते, क्योंकि हम अगर आप बैंक से कर्जा लें ठीक है, पहले तो आपको बैंक कर्जा नहीं देगा। अच्छा अगर आपको कर्जा मिल जाता है तो फिर आप बैंक को फिर बैंक का फ़ोन ना उठाएं, आप फिर देखें क्या होता है आपके साथ। अरे हमने तो कर्जा लिया ही नहीं था, मेरे बाबा ने रुपया भी नहीं लिया था। 1947 से लेके 2007 तक जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया था ना, आपने उसके भी रिकॉर्ड तोड़ के कर्जे लिए। अरे बाबा मुझे आप बता नहीं सकते थे, इधर मेरा माशरे में बड़े माशरे में इंसर्ट हो गया है, बोले तो इंसर्ट हो गया है IMVP। अच्छा एक हल है मुल्क का ना, कर्जा उतर सकता है सारा, ऐसे करें आपने वो मौत के कुएं में ना नीचे वो डांस करने लगे। अरे तो आप मेरे साथ मोटरसाइकिल बन जाओ, ठीक है, तो उधर से पैसे मिलेंगे तो हो सकता है कर्जा पूरा हो जाए, हो सकता है, हो सकता है ना। अरे आप मेरे साथ चलो, आप मेरा मोटरसाइकिल बनना। नहीं, मोटरसाइकिल नहीं तुमने चलाना है, नीचे ना तुमने डांस करना। अरे मुझे मिनी स्कर्ट पहन के शर्म आती है। ये है इसका बिल, अभी भी आप रोड पे चले जाए ठीक है, ठीक है, लोगों से पूछ लें ठीक है, 10 में से ठीक है 9 लोग हुकूमत को गालियां निकाल रहे होंगे। उसकी वजह ये है ना, मीडिया, पाकिस्तान का जो मीडिया है वो लोगों के माइंड को शेप करता है। हर बंदा लगा हुआ है महंगाई है महंगाई है महंगाई है, लेकिन वो महंगाई है किधर? अच्छा इसमें कितने फीसद हुई है वो महंगाई? मीडिया का कसूर है हर चीज़ में, किसी न किसी का कसूर क्यों होता है? क्योंकि देखिए ना, इनका क्यों नहीं कसूर होता? किनका? हुकूमत का। हुकूमत तो अच्छे काम कर रही है ना। अच्छा हुकूमत, वही जो मैंने आपसे डायरेक्शन की बात की, तो मैं कह रहा हूँ हुकूमत तो ठीक डायरेक्शन में जा रही है। आपको क्यों लगता है हुकूमत? ये मुझे नहीं लगता, वो ये मुझे नहीं लगता। मैं आपको वर्ल्ड बैंक का भी एक डाटा दे देता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने मतलब ना पाकिस्तानी ₹325 $1.90 एक, मतलब एक ना उनका एक टेस्ट करने का ना, गुर्बत को टेस्ट करने का एक तरीका है कि ₹325 से कितने लोग नीचे जो है पाकिस्तान के, मतलब उनसे मतलब ₹325 से कम उनकी आमदनी है। 2023 में ये लोग 4% रह जाएंगे।
ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है। दूसरा इंडिकेटर क्या है, दूसरा इंडिकेटर है 550, ठीक है, मतलब $3.75, $3.75 से नीचे कितने लोग हैं, 2023 में 34% ऐसे लोग रह जाएंगे। तो ये मतलब जहाँ पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जा रहा है, गुर्बत पाकिस्तान में कम हो रही है, लेकिन आप मीडिया देखेंगे तो वो कहेंगे पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू हो रही है, तुर्की की और ब्राज़ील की 40% करेंसी जो है वो डी वैल्यू हुई है, हमारी इतनी नहीं हुई। तो मतलब मीडिया आपको जो दिखा रहा है ना, वो मतलब मीडिया जो है वो गवर्नमेंट फ्रेंडली है ही नहीं, क्योंकि इस हुकूमत ने आते इनके ऐड बंद कर दिए। मीडिया जो है ना वो अवाम फ्रेंडली है, अवाम की भलाई की चीज़ें दिखा रहे हैं। अगर अवाम की भलाई की चीज़ें दिखा, ये देखें इस गवर्नमेंट के साथ एक और बहुत बड़ा आदमी है, देखें कोविड आया पूरी दुनिया में आया, वहाँ पे क्या ओपोजिशन है, क्या हुकूमत है, क्या मीडिया है, हर पार्टी ने या स्टेक होल्डर ने हुकूमत का साथ दिया, मतलब पेंडेमिक को सब ने म्यूचुअली फेस किया। इधर क्या है, इधर पॉइंट स्कोरिंग है, इधर झूठ है, इधर हुकूमत के हर किए के ऊपर मतलब पानी डालना है। ये जो पीडीएम ही कहते हैं ना इसको, आपकी जो मतलब जो आपने बनाई है, क्या नाम है इसका, इनको भी भूल गया है, चलें जो भी इन्होंने बनाया है, इनका एजेंडा क्या है, हुकूमत का खात्मा, इनका एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। ये तो ऐसे मतलब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, ठीक है, बजाय इसके कि ये गवर्नमेंट का साथ दें, ये मतलब इसमें खुशियां मना रहे हैं जी कि न्यूजीलैंड की टीम जा रही है यहाँ से। उनका वो कह रहे हैं हुकूमत का खात्मा होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, ये इनका ये कहने का मतलब है ना, ये मतलब है ना, इनका एजेंडा ये है ही नहीं। जो भी मतलब हो, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मेरे बाबा ने, मेरे नाना ने, मेरी अम्मी ने बहुत तरक्कियाती काम किए, ये एहसान फरामोश कौम है। आपने क्या तरक्कियाती काम किए, सब कुछ अरे भूल गए। देखिए इनके जो नाना अबू थे, ठीक है, मतलब एक मुहब्बे वतन थे, एटम बम का उन्होंने मतलब प्रोग्राम स्टार्ट किया और भी काफ़ी अच्छे काम किए उन्होंने। इनकी वालदा जो है एक मंजी हुई मतलब लीडर थी, उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, कुछ उन्होंने बुरे काम भी किए, कुछ अच्छे काम भी किए, खालिद साहब ने भी किए हैं कुछ अच्छे काम। लेकिन उनकी वालदा के बाद जो मतलब एक वसीयत से जो इनको जानशीनी या जो चीज़ भी मिली है उसके बाद मतलब ये अपने लिए ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वो इसी के लिए तो उन्होंने किया है ना, बेशक अपने लिए किया, अपने बच्चे के लिए किया, मगर किया तो है ना। हाँ, तो फिर आप लोग मिस्टर क्यू टोपो का रुख उस तरफ करें ना, हुकूमत को क्यों कर रहे हैं आप? वो तो बेचारा रो रहा है ना, इसीलिए वो तो वो अपनी बारी के लिए रो रहा है। तो बारी दे देना एक दफा ट्राई करके। ये 2021 है, पर्ची पे हुकूमत नहीं मिल सकती। बिलावल, आपकी तीसरी दफा हुकूमत सिंध में आई है और इससे पहले भी कई बार आप लोगों की हुकूमत सिंध में आती रही, लेकिन सिंध तरक्की करता दिखाई नहीं देता हमें, इसकी क्या वजह? अरे आपको नजर नहीं आती है तरक्की, अभी मैं बोला हूँ कि सारा कुछ इनविजिबल मैन कर रहा है, यानी कि मेरे नाना अबू भुट्टो। तो भुट्टो साहब की तरक्की पे आप अभी तक चल रहे हैं? अरे चल रहे हैं तो जिंदा है ना, बेटे हैं, सांस ले रहे हैं ना, कैसे अंकल? हाँ, तरक्की जो है ना वो भी भुट्टो ही है, यानी आपको दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ज्यादा है ना, भुट्टो जिंदा है। हाँ, तरक्की भी जिंदा है, यानी तभी वो सैलाब की सूरत में हमें नजर आई कि सारा कराची भी डूब गया, सिंध भी डूब गया। अरे झूठ बोल रही हो, अरे किधर था पानी, किधर था सैलाब, मैं तो घर से बाहर निकला ऐसे पैर रखा तो पानी नहीं था, मतलब सैलाब नहीं आया है। वो पानी नहीं, वो समुद्र है, देखा है जो सिंध है वो समुद्र के करीब है, तो वो पानी आ जाता है उधर। ये बंदा सही बोल रहा है। हाँ हाँ, मैं हमेशा सही बोलता हूँ। आप बिल्कुल मेरे साथ हैं, आप वोट भी मुझे देना। अच्छा काशिप साहब, अभी तक आपने जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं वो तो पीटीआई की फेवर में ही जा रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर अवाम को तो कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही, तो कुछ अपने आसान लफ्ज़ों में समझा दें अवाम को कि ये गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए बहुत अच्छा कर रही है, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स नहीं कर सकी अभी तक। देखें, उम्मीद जो है, जब तक उम्मीद होती है
अंधेरा होता है उसके बाद उजाला आता है। तो अगर पाकिस्तान के इस वक्त हालात टफ हैं, चैलेंजेस का सामना है, तो इस अंधेरे के बाद उम्मीद रखनी चाहिए कि सुबह ज़रूर आएगी। और मीडिया की बातें या अपोजिशन की बातें, इन सब का एक अपना एक एजेंडा है। जो अपोजिशन है वो अपनी बारी दोबारा लेना चाहती है, मीडिया के अपने अजाइम हैं। आप लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें, पाकिस्तान जो है वो सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए, हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। हमें हुकूमत को इसलिए नहीं सपोर्ट करना चाहिए कि ये पीटीआई की हुकूमत है, हम फैक्ट्स एंड फिगर देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो सही डायरेक्शन में तरक्की के रास्ते की तरफ जा रही है, और हमें अपनी उम्मीद जो है इसको कायम रखना चाहिए। इसका मतलब है, आपका कहने का मतलब है कि घबराना नहीं है। घबराना नहीं है बिल्कुल। हाय हाय, इसी बात से तो घबराहट होती है। आपको भी हो रही होगी घबराहट, है ना? अरे मुझे तो बहुत ज्यादा होती है। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन होगा। मजीद प्रोग्राम्स के लिए MYK न्यूज TV को सब्सक्राइब करें। अरे जब हमारी बारी आएगी तो हम आपको वजारत देंगे। कौन सी? ये वाली